तो अकबर ने कहा तेरे उसी भोले बाबा को देखूंगा। कैसे भोले बाबा? तो अकबर जी यहाँ स्वयं आए थे। जैसे दिवालियों पर अपन दिए जलाते हैं, ऐसे उनके पूरे महल में दिए जल गए थे, जिनमें ना तो घी था ना तेल। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो मंदिर से जुड़ी हुई एक इस कड़ी में हम आ चुके हैं एक ऐतिहासिक और संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक जगह पर। ये जगह अपने आप में एक अहम स्थान रखती है, क्योंकि इस स्थान से नाता रहा है संगीत सम्राट तानसेन जी का। तो आज हम तानसेन जी की जन्मस्थली बेहट में आए हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से तानसेन जी से जो जुड़ी हुई जन्मस्थली उनकी बेहट और कैसे वो यहाँ रहा करते थे और रियाज किया करते थे संगीत का। कहते हैं यहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर है, जो जब तानसेन जी रियाज किया करते थे तो उनकी रियाज से उनके राग से ऐसा एक ध्वनि उत्पन्न हुई कि उस समय वो मंदिर का जो मंदिर का निर्माण था, मंदिर जो छोटा सा शंकर जी का मंदिर बना हुआ था, उस राग के प्रकाश की वजह से झुक गया थोड़ा। तो उस मंदिर को हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आज आप बने रहें और आपको दिखाते हैं कि बेहट कई क्षेत्र का कैसा है, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, बने रहें। दोस्तों, तानसेन जो है ग्वालियर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप ग्वालियर से आएंगे तो मोहनपुर, बंदौली और हस्तिनापुर के रास्ते आप इस रास्ते से आएंगे। और इस रास्ते से आने के बाद तो आप इस रास्ते से ग्वालियर होते हुए अगर आएंगे तो यहाँ से आने के बाद ये चौराहा पड़ता है, तानसेन जी का चौराहा, जहाँ पर तानसेन जी की प्रतिमा लगी हुई है। और इसी प्रतिमा से लगा हुआ राइट हैंड पर ये गाड़ी बाइक चला जा रही है। इसी रास्ते गांव होते हुए तानसेन जी की जन्मस्थली है, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर। अभी हम चलकर आपको दिखाते हैं। तानसेन चौराहे से जो राइट हैंड पर रोड गई थी, वही रोड सीधे आकर के यही रोड है, और आगे चल कर के हमको ये मिला है ध्रुपद केंद्र बेहट। दोस्तों, ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अहम स्थान रखता है, जो कि ग्वालियर का ध्रुपद गायन जो है विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के विश्वविद्यालय है, तो उनके छात्र छात्रा यहाँ पर बैठकर रियाज करते हैं। दोस्तों, ये रास्ता है, कुछ उस टाइम यहाँ आसपास काफ़ी घना जंगल हुआ करता था जब तानसेन जी यहाँ रहा करते थे। उस समय इंसानी आबादी बहुत कम थी, तो तानसेन जी यहाँ पर रह कर के इस जंगल के अंदर शंकर जी का मंदिर था, वहाँ अपना रियाज किया करते थे संगीत का। तो अब धीरे धीरे उस मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये मंदिर जाने की सीधी रास्ता है, मंदिर का थोड़ा निर्माण कर दिया गया है जिससे उसका संरक्षण भी हो रहा है। तो ये रास्ता है मंदिर जाने का, सामने मंदिर का गेट भी है। तो मंदिर में पहुँच कर आपको हम दिखाते हैं, और अगर वहाँ कोई व्यक्ति लोकल का मिलता है, स्थानीय निवासी कोई, तो उनसे जानेंगे कि मंदिर का क्या रहस्य है और उनसे उससे जुड़ी हुई क्या क्या कथाएँ बातें हैं। तो आप बने रहें, दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये है मंदिर जाने का रास्ता, ये द्वार बना दिया गया है अब, जो कि तानसेन संगीत सम्राट तानसेन द्वार है। ये मंदिर का द्वार बना दिया गया है, अब इसी के रास्ते अंदर प्रवेश होता है। ग्राम पंचायत बेहट, ये हमारे तानसेन जी उनकी चित्र यहाँ पर बना हुआ है, पेंटिंग, खूबसूरत पेंटिंग यहाँ बनी हुई है रियाज करते हुए की। और यहाँ का वातावरण अगर आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ियों के आसपास के बिल्कुल बीच में बना हुआ है, पहाड़ियों जंगल के बीच में। हम चलते हैं, दिखाते हैं अंदर चल कर। यहाँ पर अब निर्माण हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, अच्छा निर्माण कर दिया गया है मंदिर परिसर का। अब मंदिर में चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मंदिर प्रांगण की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, शहनाई, तबला, ढोलक, सारंगी, ये सब चीज़ें, नृत्य करती हुई नृतिकाएँ। दोस्तों, ग्वालियर ऐतिहासिक होने के साथ साथ इस संगीत के, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी अपना एक विशेष योगदान रखता है। और ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से तानसेन संगीत सम्राट के नाम पर तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है हर साल, जिसमें देश विदेश से कई कलाकार जुड़ते हैं। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर के आखिरी में 4 से 5 दिन वो कार्यक्रम चलता है, और उस कार्यक्रम में देश विदेश से कलाकार आते हैं, जिसमें गायन, वादन, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय पद्धति के ऊपर कार्यक्रम होता है।
बहुत ही देखने लायक कार्यक्रम होता है वो। तानसेन जी की याद में वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कुछ दिन कार्यक्रम एक दो दिन तानसेन जी की समाधि जो कि तानसेन मकबरा ग्वालियर में बना हुआ है वहाँ होता है। आखिरी दिन यहाँ बेहट उनकी जन्म स्थली में कार्यक्रम होता है। दोस्तों हम आ गए मंदिर में और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ेंगे। दोस्तों यह है मंदिर परिसर, अब काफ़ी अच्छा निर्माण हो चुका है मंदिर में, बहुत ही सुंदर मंदिर बन चुका है। अब मंदिर के आसपास काफ़ी सुंदर बगीचा डेवलप हो गया है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये झिलमिल नदी है, इसलिए इस नदी के नाम पर इसको झिलमिल गुफा भी कहते हैं। कहते हैं कि ये नदी, ये आप देख रहे हैं हरा हरा तालाब टाइप का, थोड़ा सिमट गई है, कहीं कहीं बीच में इसका कटाव हो गया है और आगे जाकर सिंध में नदी में मिल जाती है। तो ये मंदिर के आसपास का नज़ारा है, आपको मंदिर दिखाते हैं अंदर चल के। इस मंदिर के अंदर हमारी माँ जगदम्बा विराजमान है, ये आप देख सकते हैं, जगत जननी शेरों वाली माता विराजमान है इस मंदिर में। यहाँ साधु संतों का निवास बना हुआ है, गणपति माँ। जय हो प्रभु, जय हो सुख महेश, जय हो तुम्हारी। जय सिया राम। तो हमारे राम जी सरकार प्रभु सीताराम, हरि ओम हरि ओम विराजमान है, जय हो प्रभु। और काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ पर, काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, इनकी जड़ें जटाएँ बहुत निकल रही हैं। ये मंदिर के आसपास का परिसर है काफ़ी सुंदर। ये हमारे बजरंगबली, जय सियाराम प्रभु। इन सब के बीच में जो मंदिर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो ये मंदिर है, शंकर जी का पुराना और ऐतिहासिक मंदिर, जहाँ तानसेन जी बैठकर रियाज किया करते थे संगीत का। तो ये मंदिर है, आज भी टेढ़ा है, आप देख रहे हैं, ये शंकर जी का मंदिर है जहाँ तानसेन जी बैठ करके अपने संगीत का रियाज किया करते थे। कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा रायक गाया जिसके आलाप से ऐसी ध्वनि उठी कि जिसकी वजह से यहाँ के मंदिर का निर्माण, मंदिर तो अभी बना है लेकिन उसी टाइम से ये टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, जो सीधा नहीं हो सका। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यही शंकर जी है, यही शिव जी है जिनके साधना किया करते थे तानसेन जी, और इसी मंदिर परिसर में बैठ करके अपनी संगीत का रियाज किया करते थे। जय हो शंभु, शंकर जी काफ़ी पुरानी और ऐतिहासिक शंकर जी की प्रतिमा है, यह शिवलिंग है। तो आपने दर्शन किए, ये और भी श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आए। शिवरात्रि और नागपंचमी के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। ये मंदिर के आसपास का परिसर, पंडित जी यहाँ के बारे में क्या मान्यता है, क्या विश्वास है यहाँ पर, थोड़ा आप बताइए। यहाँ का सबसे मेन चीज़ है गायक कलाकारों जो होते हैं वो यहाँ, उनके लिए एक आशीर्वाद का रूप है यहाँ पे, क्योंकि तानसेन की जन्म स्थली साधना स्थली बोलते हैं इसे। और ये जो जगह है बड़ी एक तपोभूमि जगह है, क्योंकि यहाँ पहले जो साधु हुआ करते थे वो तपस्याएं करते थे। तो ऐसे यहाँ नौ सिद्ध है, चेतनदास महाराज जी की गुफा है। नौ सिद्ध में से एक सिद्ध थे झिलमिलेश्वर गुरु, जिनके नाम से ये मंदिर है। आज जो इतिहास में जो नाम चला रहा है इसका, वो झिलमिलेश्वर महादेव के ही नाम से है। ये जो नदी अपनी जो निकली है वो झिलमिल के ही नाम से निकली हुई है, उन्हीं के नाम पर निकली है ये नदी। ये जो शिवलिंग जो अपने यहाँ जो यहाँ पे जो शिवलिंग जो है वो एक अद्भुत शिवलिंग है, क्योंकि वो स्वयं ही जमीन से निकली शिवलिंग है
और दूसरी उसमें ये है कि सब जगह गोल शिवलिंग होती है, अपने यहाँ गोल नहीं है, चौकोर है। चौकोर इसलिए है क्योंकि ये पंचमुखी शिवलिंग है, जैसे अपन आरती में गाते हैं एकानंद चतुरानंद पंचानंद, यह है पंचानंद मूर्ति है। पंचमुखी मूर्ति पूरे भारतवर्ष में सिर्फ अपने यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ क्या है, जो तानसेन जी के जो माता पिता थे उनके पास पहले कोई संतान नहीं थी, तो वो यहाँ शंकर जी पे आते थे और रोज़ दूध से अभिषेक करते थे और रोज़ उनसे विनय करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसे रोज़ आते थे, रोज़ चढ़ाते थे, रोज़ उनसे विनय करके चले जाया करते थे। करते करते काफ़ी वर्ष बीत गई, तब जाके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम था रामतनु पांडे। आज तानसेन जी के नाम से जानते हैं, उनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। जब पुत्र की प्राप्ति हुई उसके बाद में उन्होंने शंकर जी पे आना बंद कर दिया, ना तो वो स्वयं आए ना उस बच्चे को ले गया। वो कुछ समय तक वो बात बनी रही, जब बच्चा बड़ा हुआ बोलने की स्थिति में पहुंचा तो आऊँ करने लगा, गले से आवाज़ नहीं निकली, तो उस बच्चे को फिर वो यहीं पे आए लेके यहाँ आके रोने लगे। तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पूजा करते थे, तो उनसे उन्होंने कहा, बोले महाराज मेरा एक पुत्र हुआ, वो भी गूंगा पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा उस बच्चे को आपको एक बार लेके आना था, क्योंकि स्वयं शंकर जी का दिया हुआ वरदान था। चलो उस बच्चे को लेके नहीं आते, आप तो आते, आप समझदार थे, लेकिन वो कहता है कि मतलब निकल जाता है तो आदमी एक दूसरे को भूल जाता है। तो बोले तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम भूल गए। बोले महाराज मुझसे बहुत गलती हो गई। बोले गलती हो गई अब तो बोले तुम जाने उसमें, बोले वह जाने उसमें, मैं क्या कर सकता। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे आगे चल के मेरा उद्धार हो जाए। तो बोले रास्ता मैं बता दूंगा, करना तेरा काम है। बोले जिस तरह से तो तू दूध चढ़ाता था शंकर जी पे, उसी तरह से इस बच्चे के हाथ से चढ़वा। जब भोले बाबा ने तुझे बच्चा दिया तो इसकी आवाज़ भी लौटा रहेंगे। तो उन्होंने उस बच्चे के हाथ से दूध चालू करवा दिए चढ़वाना, लेकिन वो जो दूध चढ़ाते थे वो दूध एक अलग ही था, क्योंकि पहले जो साधुओं के पास में काम धेनु गायें होती थी वो कभी ब्याती नहीं थी, बारह मासी दूध देती है। ऐसे ही उनके पास एक बकरी थी इंदल करके, उस इंदल बकरी का वो शंकर जी पे दूध चढ़ाते थे, लेकिन उनका पूजा करने का जो तरीका था वो एक अलग था। जिस तरह से अपन दूध लोटे से दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, वो इस तरह से नहीं चढ़ाते थे। वो स्वयं ही बकरी को खड़ी करते थे शंकर जी पे और डायरेक्ट सेठ से ही चढ़ाते थे। ये उनका रोज का तरीका था पूजा करने का। रोज उस बच्चे को लेके आते थे, रोज चढ़वा के चले जाया करते थे। कुछ समय के बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया, वो अकेले रह गए तो इसी जंगलों में अपनी गाय बकरियाँ चराते थे, और जब घर जाया करते थे तो दूध चढ़ा के तब जाया करते थे। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, भादों का महीना रहे, भादों के महीने में पहले जो जल बरसते थे वो ऐसे बरसते थे कि 15-15-20 फीट सूर्य नहीं मिलता था देखने के लिए, इतनी घनाघोर वर्षा होती थी। वर्षा होने लगी तो उनकी गाय बकरियाँ घर के लिए भाग पड़ी, पीछे पीछे वो भी चले गए। उनको भूल गया ध्यान के मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना है। जब घर जाके पहुँचे तो उन्होंने जब सानी पत्ता किया अपनी गाय बकरियों का, और जब रात्रि के समय खाने पे बैठे तब जाके उन्हें याद आया, बोले आज तो मैंने शंकर जी पे दूध ही नहीं चढ़ाया है, आज मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो वो उसी समय उस बकरी को लेके चल दिए। घर से आने से पहले एक गाँव किनारे एक नाला सा मिलता है, वो नाला बरसात में बहुत कर्रा चलता था, तो उसमें से वो निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो गाँव के ने उन्हें रोक लिया, बोले तू इसमें बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उनको तो वही लगन लगी थी कि मुझे तो प्रभु के दरबार में पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए आज मेरे साथ। तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उस बकरी को कंधे पर रख के उस नाले में निकल पड़े। पहले गांव से यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, सिर्फ पगडंडियाँ थी, तो उन पगडंडियों पर गिरते गिराते वो आए। आके जैसे ही शंकर जी पर उन्होंने खड़ी की बकरी, और जैसे ही पहली जो सेठ चढ़ाई उन्होंने, जैसे ही आवाज़ आई, बोले मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न। तो वो मठी से निकल के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। बोले यहाँ तो दिन में कोई नहीं आता, रात्रि तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस समय बहुत डरा था यहाँ पे, जंगली जानवरों का भी हो, हाँ सभी चीज़ों का था, जंगली जानवरों का था, डकैतों का था, सब कई चीज़ों का था। तो उन्होंने कहा ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। तो उन्होंने गले से तो गूंगे थे, बोल तो पाते ही नहीं, तो उन्होंने घूम के चारों लंग देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने फिर शंकर जी से गले की तरफ इशारा किया। जैसा ही गले की तरफ इशारा किया तो शंकर जी ने कहा, बोले जितनी ज़ोर से आवाज़ लगाई जाए उतनी ज़ोर से आवाज़ लगा। तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, आवाज़ के ही साथ जैसे बिजली सी चमकती है, ऐसे बिजली सी चमकी, ये पूरा मंदिर झुक गया। जैसा ही ये मंदिर झुका,
और जैसे ही उनकी आवाज़ आई तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु मुझे आपने आवाज़ तो दे दी, अब मुझे आपने दर्शन ना दिए तो ऐसी आवाज़ को लेकर क्या करूँगा मैं, मुझे कम से कम अपने दर्शन तो दे। तो जैसे ही शिवलिंग में से उन्हें दर्शन दिए तो जो शिवलिंग में है वो भी उसी साइड को झुकी हुई है, क्योंकि जैसे ही भक्ति की तरफ गर्दन करके उन्होंने ऊपर को देखा तो वो शिवलिंग भी उसी साइड को झुक गई। तो उन्होंने कहा, बोले मैंने अब तुझे दर्शन भी दे दिए, तेरी आवाज़ भी आ गई, अब मंग क्या मांगना चाहता है, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न। तो उन्होंने कहा, अगर भोले बाबा मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरते हैं जिससे मेरा नाम। तो बोले मांग क्या मांगना चाहता है। बोले संगीत में मुझे ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई होने ना पाए। तो भोले बाबा ने फिर खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि आप ये कह लो कुछ, स्वयं सरस्वती उनकी जीवा पर ऐसी विराजमान हुई कि वो यहाँ बैठ के कौन सा भी राग छेड़ते थे तो सारे जीव जंतु आके उनके बगल में बैठ जाया करते थे। भर गर्मियों में मेघ मला लगाते थे तो भर गर्मियों में बारिशें आ जाती थी। तो ऐसी चर्चा उनकी जब फैलने लगी फिर फैलते फैलते ऐसी पहुंची कि अकबर के कानों तक पहुंच गई थी। तो अकबर इन चीज़ों का शौकीन था बड़ा सुनने का। तो अकबर ने कहा, बोले ऐसा कौन है जिसका इतना नाम चल रहा है, उसको एक बार दरबार में बुलाया जाए। तो तानसेन जी को दरबार में बुलाया गया। जब तानसेन जी उनके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा, बोले मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है, ऐसा आपके अंदर क्या है, कुछ मेरे को भी सुना। तो उन्होंने उनके महल में दीपक राग गाया था, जैसे दिवालियों पर अपन दिए जलाते हैं ऐसे उनके पूरे महल में दिए जल गए थे, जिनमें ना तो घी था ना तेल था। यहाँ तक कि महल की जलने की बारी आ गई थी तब जाके उन्होंने अपना राग बंद किया था। तो अकबर एक जिद्दी भी था, एक घमंडी भी था, वो हिंदू धर्म को बहुत कम मानता था। तो उसने कहा, मैं नहीं मानूंगा ये सब कुछ, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। तो तानसेन जी ने कहा, बोले रहस्य कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ भोले बाबा का आशीर्वाद है। तो अकबर ने कहा, तेरे उसी भोले बाबा को देखूंगा, कैसे भोले बाबा। तो अकबर जी यहाँ स्वयं आए थे, आके इस मंदिर को झुका हुआ देखा, बोले मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तोड़वा के इसे दोबारा बनवाऊंगा, क्योंकि वो मंदिरों में तोड़वाने में बड़ा माहिर था और उसी मंदिर को छोड़ता था वो जिस मंदिर पर स्वयं भगवान के चरण रज पड़ी हो, जहाँ साक्षात दर्शन दिए। ऐसे ही मंदिर बचे हैं, बाद बाकी के सबरे मंदिर तोड़वा दिए थे उसे, तोड़वा के दोबारा काम चालू करवाया। जब दोबारा काम चालू करवाया तो घर बनवाते हैं तो अपन 9 इंची की दीवार दे के बनवाते हैं। उसने कहा, अगर मैंने 9 इंची की दीवार दी तो हो सकता है ये फिर वैसा ही का वैसा झुक जाए। तो बोले अब मैं 9 इंची की दीवार नहीं दूंगा, इसमें मैं मोटे पिलर देके खड़ा करूंगा। तो उसने फिर 4 मोटे पिलर देके इस मंदिर को खड़ा किया। जब शाम को ये बनके कंप्लीट हो गया तो तानसेन जी से कहा, बोले अब दिखाओ से टेढ़ा करके कैसे टेढ़ा होता है, अगर आज ये टेढ़ा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तानसेन जी ने कहा, बोले इससे तो अच्छा मुझे संगीत मिलता नहीं, वो बढ़िया था, क्या संगीत के कारण मेरा सर ही कट जाएगा। तो उन्होंने भोले बाबा के सामने बैठ के विनय की, और विनय करने के बाद में जो गाने वाले जो होते हैं वो गाने से पहले एक अलफ लेते हैं। जैसे ही उन्होंने अलफ लेके, आज जैसे कहते हैं धुरपक, धुरपक यहीं की देन है, जैसा ही उन्होंने धुरपक गाया ये मंदिर फिर वैसा ही का वैसा झुक गया। तो फिर अकबर ने यहाँ माथा पटका, माथा पटकने के बाद में ये आमने सामने की दोनों दानालें बनवाई उसी ने, और यहीं बैठ के तानसेन जी को 9 रत्नों में से फिर 1 रत्न में घोषित किया था उसने। ये यहाँ का सारा इतिहास है। तो दोस्तों, आपने पंडित जी के मुख से सुना यहाँ के इतिहास के बारे में और मंदिर की बारे में, ये तो हमें भी नहीं पता था, आज भी हमें पहली बार जानने का मौका मिला पंडित जी के मुख से। तो कितना प्राचीन मंदिर रहा है और क्या जुड़ी हुई उनसे मान्यता थी, ये भी आपने जाना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, और इसी प्रकार की वीडियो और इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। और ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाले प्राचीन मंदिर, स्मारक और उनसे जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं धार्मिक ग्रंथों में, क्या महत्व है, स्थानीय क्या महत्व है, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय श्री राम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहीं और। जय श्री राम।